फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने CMF फोन वन एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन में ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप कैसे कर सकते हैं, वो भी वॉइस के साथ। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए सबसे पहले मोबाइल फोन का क्विक पैनल ओपन करना है। ऊपर से नीचे स्वाइप करेंगे तो आपका एक क्विक पैनल ओपन हो जाता है। अब इसे आपको लेफ्ट में स्लाइड करना है ऐसे, तो आपको यहाँ पर ना स्क्रीन रिकॉर्ड का ये ऑप्शन मिलता है। स्क्रीन रिकॉर्ड पर टैप करना है तो आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग का पेज ओपन होगा। अब देखिए, इसमें मैं आपको सबसे पहले वॉइस के बारे में बता देता हूं। तो ये रिकॉर्ड ऑडियो के सामने देखिए छोटा सा एक एरो का बटन है, इस पे बटन पे टैप करना, छोटा सा बटन है, तो आपका पेज आ जाएगा ऑडियो का। तो इसमें ऑडियो में ना तीन ऑप्शन है, तो इन तीनों के बारे में आपको समझाता हूं। देखिए पहला ऑप्शन है डिवाइस ऑडियो। डिवाइस ऑडियो पे आप सेलेक्ट करेंगे, फिर इसके बाद जब आप अपने फोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू करेंगे तो इससे क्या होगा, आपके स्क्रीन रिकॉर्डिंग के समय जो कुछ भी आपके मोबाइल फोन से साउंड की आवाज आएगी ना, वो आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड होगी, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है ये माइक्रोफोन का। माइक्रोफोन पे अगर आप सेलेक्ट करते हैं फिर इसके बाद आप अपने फोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू करेंगे तो इससे क्या होगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते समय आप अब जो कुछ भी बोलेंगे ना, वो आपका बोला हुआ शब्द रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। और देखिए तीसरा ऑप्शन है डिवाइस ऑडियो एंड माइक्रोफोन। अगर आप तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो इससे क्या होगा, आपके मोबाइल फोन से निकलने वाली साउंड और जो कुछ भी आप बोलेंगे वो दोनों साउंड आपका रिकॉर्ड हो जाएगा। तो जो आपको सुटेबल लगता है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपका ये जो बटन है रिकॉर्ड ऑडियो के सामने वाला बटन ऑन हो जाएगा। इसके बाद आपको नीचे की साइड ये स्टार्ट का बटन टैप कर देना है, तो यहां पर जो है ना आपका जो है ये रिकॉर्डिंग जो है स्टार्ट होने लग जाएगी, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर पेज आ जाता है, ये काउंटिंग यहाँ पे शुरू हो चुकी है। अब आप यहाँ पे कोई भी मूवमेंट करेंगे तो सारी की सारी मूवमेंट आपकी जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड होती रहेगी, ठीक है। और देखिए जब कभी आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग को खत्म करना है तो आपको नोटिफिकेशन पैनल ओपन करना है इस तरीके से, और आपका जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का पेज है ना, इसमें स्टॉप का बटन है, स्टॉप पर टैप करना है तो आपकी रिकॉर्डिंग खत्म हो जाएगी और आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपकी फोन की गैलरी में सेव हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल फोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो वॉइस के साथ, ठीक है ना।